गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में स्वर तो विसर्ग संधि का चौथा नियम बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को स्वर तो विसर्ग संधि का पहला, दूसरा और तीसरा नियम बताया था और आज मैं आप लोगों को स्वर तो विसर्ग संधि का चौथा नियम बता रहा हूँ। इसमें इसके चौथे नियम में है कि विसर्ग का दंत संलग्न नमः पूरा विरह के बाद क हलंत या प हलंत होने पर विसर्ग का दंश हलंत हो जाता है, यानी क या प होने पर विसर्ग का दंश हलंत हो जाता है। जैसे नमः रकार नमस्कार, यहाँ विसर्ग के बाद क है इसलिए विसर्ग का दंश हलंत हो गया है, नमस्कार हो गया है। उसी तरह पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य, यहाँ भी विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का यहाँ दंत हलंत हो गया है। पुरः जोड़ करोति पुरस् करोति, यहाँ भी विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। पुरः जोड़ कृत्वा पुरस् कृत्वा, यहाँ भी विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। अब है पुरः जोड़ पठति पुरस् पठति, वहाँ क या प लिखा हुआ है इसलिए यहाँ विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। तिरस्कार तिरस्कार, यहाँ भी विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। नमः जो करोति नमः करोति, यहाँ विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। तिरह जो कृत्य तिरस्कृत्य, यहाँ भी विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत हलंत हो गया है। अब स्वत विसर्ग संधि के बाद और दूसरा उसका भेद है उत्तो विसर्ग संधि। उत्तो विसर्ग संधि का नियम है यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा वह उ अपने पहले के अ से मिलकर गुण स्वर संधि के आधार पर उ होकर पूर्व रूप संधि से मिलकर अ का लुप्ताकार चिन्ह अर्थात पूर्व रूप हो जाता है। इस एस की तरह जो लिखा हुआ है इसको हम लुप्ताकार चिन्ह भी कहते हैं और पूर्व रूप भी कहते हैं। अब यह कैसे बनता है तो यहाँ है जैसे विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है तो दोनों मिलकर के यहाँ क्या हो गया नहीं? तो इसे अ जोड़ उ जोड़ अ बराबर हो जाता है ओ और ओ जोड़ अ बराबर हो जाता है ओ, यहाँ ओ के बाद पूर्व रूप लिखा गया है यानी लुप्ताकार चिन्ह लिखा गया है। अब इसका उदाहरण है जैसे मैं प्रथमा जोड़ अध्याय प्रथमो अध्याय, यहाँ विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है तो विसर्ग का उ हो गया और वह उ अपने पहले के अ से मिलकर के ओ हो गया और बाद वाला अ यहाँ लुप्ताकार चिन्ह अर्थात पूर्व रूप में बदल गया है तो हो गया है प्रथमो अध्याय। उसी तरह पुरुष जोड़ अपि पुरुषो अपि, सह जोड़ अपि सो अपि, नर जोड़ अस्ति नरो अस्ति, देव जोड़ देव जोड़ अयम देवो अयम, यहाँ जो पूर्व रूप है इसका उच्चारण अ होता है। इसके अनुदाहरण है पुरुषः जोड़ अहम पुरुषो अहम, नृपः जोड़ अवदत् नृपो अवदत्, रामः जोड़ अत्र रामो अत्र, सः जोड़ अहम सो अहम, रामः जोड़ अप्रवीत रामो अप्रवीत, इस तरह से यह उत्तसंधि है। अब इसके आगे